मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं क्रियोस पैरामीट्रिक 7 के अंदर ड्राफ्टिंग करना चाहते हैं। हमारे पास एक मॉडल है, इस मॉडल की हम ड्राफ्टिंग करना चाहते हैं। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमारे को पहले क्या क्या करना पड़ेगा, बाद में क्या क्या करना पड़ेगा, टेम्पलेट कैसे बनाएंगे और कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी देखेंगे कि हम ड्राफ्टिंग को बढ़िया तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा कि जिससे हम बढ़िया तरीके से ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखनी है, कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर लें, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम ये है कि ये देखो यहाँ पे हमारे पास व्यू नज़र आ रहे हैं, ये फ्रंट टॉप राइट बैक बहुत सारे व्यू हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो डिफॉल्ट व्यू हैं ही हैं, प्लस इसमें एक और अच्छी चीज ये है कि मैं किसी भी पर्टिकुलर व्यू को व्यू नॉर्मल कर सकता हूँ, तो यानी कि ये वाला व्यू जो है मेरा नजर आने लग जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से व्यू नॉर्मल करते हैं। तो अब ये व्यू मेरा सीधा हो गया, इसको मैं सेव कर सकता हूँ यहाँ से। यहाँ पे ओरिएंट है, यहाँ पे हमने कहा एक मुझे न्यू व्यू चाहिए, तो इसको ऑक्सिलरी व्यू कहते हैं वैसे तो मैंने इसका नाम ऑक्सिलरी रख दिया, ठीक है। एक मेरे को बार बार इसको घुमाना ना पड़े, इसलिए मेरे को एक आइसोमेट्रिक व्यू चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। थोड़ा सा ऐसे रखना चाहता हूँ कि मुझे वो पीछे वाला भी नज़र आए, ये वाली चीज़, तो जहाँ पे आपको बढ़िया लग रहा है, क्योंकि ये सेटिंग करने में आपको बार बार टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं एक बार व्यू बना के सेव कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसको कहा सेव, इसको हम आइसो रख लेते नाम, ठीक है। तो फ़ायदा क्या होगा, जब भी कभी हिल जाएगा तो मैं यहाँ से जाके आईएसओ पे करूँगा क्लिक, तो ये वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। दूसरा काम हमारा ये हो गया। पहला काम है कि हमारे को व्यू सारे नज़र आने चाहिए, यहाँ पे अगर नहीं है तो आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो रीओरिएंट कर देंगे तो ये यहाँ पे दिखा रहा है हमारे को जो सारे व्यू, ठीक है। तो रीओरिएंट का मतलब होता है कंट्रोल डी, कंट्रोल डी करेंगे तो ये थोड़ा सा देखो टेढ़ा सा हो जाता है, तो हमारे को ये नहीं चाहिए, हमारे को ऐसी कंडीशन में इस फाइल को कर लेते हैं सेव, और उसके बाद करेंगे न्यू फाइल। न्यू फाइल में जाएंगे, यहाँ पे डिफॉल्ट टेम्पलेट है, हमारे को चाहिए ड्राइंग, हम ड्राइंग बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग बनाने के लिए हम यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट को बंद कर रहा हूँ मैं और ओके कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के टेम्पलेट हैं, तो हम पहले एक टेम्पलेट बना लेते हैं ताकि हमारे को इजी रहे, हमारे को रोज़ रोज़ मेहनत ना करनी पड़े, तो हम एक टेम्पलेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे है एम्प्टी विद फॉर्मेट, ठीक है। तो एम्प्टी विद फॉर्मेट में बहुत सारे फॉर्मेट हैं, यहाँ पे ब्राउज करेंगे तो ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको जो भी बढ़िया लगे आप उसको एज ए रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे जी सी फॉर्म को यूज़ कर लेता हूँ, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार ही आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा, अगली बार आपका टेम्पलेट बन जाएगा, फिर हम उसी को यूज़ किया करेंगे। एक्सटेंशन याद रखनी है इसकी, एक्सटेंशन है FRM, ठीक है। फॉर्म फॉर्मेट है एक्चुअली, ठीक है। हम यही काम ना, यही काम हम जब हम न्यू फाइल कर रहे थे तो हम ये फॉर्मेट से भी कर सकते थे, ये देखो ये भी FRM है, ठीक है। तो हमने उसके बीच में ही बनाना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हमने सी में किया ओपन, यहाँ पे भी देखो एम्प्टी विद फॉर्मेट है, ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी शीट आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे व्यू लाने की कोशिश करूँगा तो व्यू आ जाएंगे, पर मैं अभी फॉर्मेट के उसमें हूँ, तो हम जाएंगे यहाँ पे टेबल, नहीं टेबल नहीं, पहले यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट की ऑप्शन है,
ये टूल है, ये टूल के अंदर ये रहा टेम्पलेट, ठीक है। तो ड्राइंग टेम्पलेट मोड में आते ही तो ये एक नई विंडो खुल जाएगी लेआउट नाम की, ठीक है। अब टेम्पलेट में आ गए हम, अब हम टेबल बना सकते हैं। तो अब अगर मैं टेबल बनाऊंगा तो वो टेम्पलेट के अंदर जाएगा, अदरवाइज वो टेबल से बाहर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टेबल्स अवेलेबल हैं कि आपको कैसा चाहिए, बॉम चाहिए, डिस्क्रिप्शन अप चाहिए, कंटेंट चाहिए, मार्क चाहिए, टाइप कुछ बना रखे हैं उन्होंने हमारे को टेबल। तो हम इनमें से भी चूज कर सकते हैं, हम खुद का भी बना सकते हैं। पहले मैं इसको उठा के दिखाता हूँ, फिर हम अपना बनाएंगे। तो कोई भी एक पिक कर लो और जहाँ पे भी आपको रखना है वो वहाँ पे आप टिका, ठीक है। कभी भी कुछ भी चेंज करना है इसके ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं और अपना चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, क्वांटिटी, ठीक, कुछ भी लिख दो, तो जो भी हमने लिखा वो यहाँ पे आ जाएगा टेम्पलेट के अंदर। और हमारे को टेम्पलेट में क्या चीज़ चाहिए, अगर मुझे खुद से टेबल बनाना है तो यहाँ पे टेबल है, उसको नंबर ऑफ रोज कॉलम बताओ या इंसर्ट टेबल कर लो, तो जितने भी आपको चाहिए उस पर क्लिक कर दो तो टेबल आपका पास आना शुरू कर देगा। यहाँ पे क्लिक कर दो तो ये टेबल आ गया। अगर आपको रो और चाहिए तो यहाँ पे ऐड रो है, ऐड रो लेके जहाँ पे क्लिक कर दोगे, ये लाइन के ऊपर क्लिक करना है, जिस लाइन के ऊपर क्लिक कर दोगे वहाँ पे आ जाएगा। अगर कॉलम चाहिए तो कॉलम पे क्लिक कर सकते हैं, एस्केप करेंगे तो ये छोड़, इसको बंद कर दो और यहाँ पे टेबल आ गया हमारा, ठीक है। माउस का स्क्रॉल वाला बटन दबाएंगे तो ये उसको छोड़ देगा, डन कहते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। कभी भी मर्ज करना है तो यहाँ पे मर्ज सेल है, स्टार्टिंग पॉइंट बताओ, शिफ्ट दबा के एंड वाला पॉइंट दबाओ, स्टार्टिंग पॉइंट और डबल क्लिक यहाँ पे शिफ्ट दो, ठीक है। इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, डबल क्लिक करो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। किसी बॉक्स की आपको हाइट एंड विड्थ पता है मान लो, तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये आपकी ऑप्शन हाइट एंड विड्थ। तो हाइट एंड विड्थ हम अपनी मर्जी से भी डिसाइड कर सकते हैं कि बॉक्स का कितना होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे को एग्जैक्टली साइज पता है इसका, तो एक बारी मेहनत करने की जरूरत है। एक बारी हमने बना लिया टाइटल ब्लॉक तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं उसको बार बार यूज करके। यहाँ पे इंपोर्ट ड्राइंग भी है, इंपोर्ट ओवरले भी है, मतलब किसी और ड्राइंग में से अगर मुझे कुछ लेके आना है तो वो चीजें हम कर सकते हैं। इंपोर्ट ड्राइंग डाटा, तो यहाँ से DXF फाइल में अगर आपका टेम्पलेट बना हुआ है तो आप वो भी उठा सकते हो, उसके बाद हमारे को क्या करना है, जैसे हमने टेबल वगैरह मान लो बना लिया, उसके बाद मुझे चाहिए व्यू, तो व्यू के लिए यहाँ पे टेबल व्यू, टेबल व्यू करूँगा तो ये एक विंडो खुल गई, ठीक है। तो हमारे को वो कह रहा है कि हम फ्रंट फ्रंट व्यू हमारे को चाहिए, ठीक है, या हम सबसे पहले आइसोमेट्रिक व्यू ले आते हैं तो इसका नाम हम रख देते हैं आइसो, ठीक है। और स्केल हमारे को कितना चाहिए, स्केल मैंने कहा जी 0.5 चाहिए, ठीक है। जो आइसोमेट्रिक व्यू है वो हमारे को छोटा ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशन हमारे को नहीं चाहिए,
मॉडल डिस्प्ले में आपको शेडिंग वाला चाहिए या शेडिंग विद एज वाला चाहिए, यहाँ से हम पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं। और उसके बाद प्लेस व्यू, प्लेस व्यू करके कहाँ पे रखना है, मैंने कहा जी मेरे को यहाँ पे रखना है इस कॉर्नर में, ठीक है, डन कर दो। फिर टेम्पलेट व्यू में जाओ, फिर हम मुझे प्रोजेक्शन व्यू चाहिए या जर्नल व्यू चाहिए, मैंने कहा जी जर्नल व्यू चाहिए। स्केल मैं कहा जी एक नंबर चाहिए। डायमेंशन, ये एनोटेट वाली डायमेंशन है, ये चाहिए कि नहीं चाहिए इसको ऑन कर सकते हैं हम। उसके बाद प्लेस व्यू कर देंगे, यहाँ पे मेरा फ्रंट व्यू आ जाएगा, डन कर। फिर से एक और व्यू ले लो, अब की बार मैं प्रोजेक्शन व्यू लूँगा। प्रोजेक्शन के लिए मेरे को चाहिए कौन सा व्यू, ठीक है, तो ये टेम्पलेट वन की प्रोजेक्शन करनी है इसकी, या टेम्पलेट टू की प्रोजेक्शन करनी है, हमारे को टेम्पलेट टू की करनी है, वन तो आइसोमेट्रिक है, तो हमारे को टू की प्रोजेक्शन करनी है, ठीक है। मॉडल डिस्प्ले में हम उसको बोल देंगे शेडिंग, व्यू स्टेट हमारे बिल्कुल ठीक है, ये असेंबली के लिए एक्सप्लोर वगैरह करना है या क्रॉस सेक्शन करना है, अगर हमने सेक्शन व्यू बनाया होता तो हमारे को क्रॉस सेक्शन भी ले सकते हैं, वो भी बना लेंगे हम, ठीक है। तो डायमेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके बाद प्लेस व्यू कहाँ पे रखना है, मैंने कहा जी यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे ना, पहले डन कर दो, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो दोबारा से वही विंडो खुल जाएगी, वही विंडो खुल जाएगी, ठीक है। अगर कुछ चेंज करना है, जैसे मुझे यहाँ पे शेडिंग की जगह इसको वायर फ्रेम करना है या नो हिडन लाइन करना है, ठीक है, तो ये सिर्फ सिंबल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिंबल है सिर्फ, ठीक है, ये अपडेट हो जाएगा, मॉडल व्यू आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही हमारे पास अगर कोई और व्यू है तो हम यहाँ पे इसका नाम, जैसे ऑक्सिलरी व्यू रखा था हमने एक, है ना, तो इसका नाम ऑक्सिलरी व्यू रख दो, और यहाँ पे जनरल में आ जाओ। स्केल आपको कितना चाहिए, मैंने कहा जी स्केल वन का चाहिए। हिडन लाइन, नो हिडन लाइन, और यहाँ से हम प्रोजेक्शन जाएंगे, प्रोजेक्शन में थर्ड का, सेकंड का, तो सेकंड का अपन ले चुके हैं सर, कोई बात नहीं, सेकंड का ही आएगा इधर पे, ठीक है। इसके ऊपर डबल क्लिक करो और ओरिएंटेशन नहीं आ रही है यहाँ पे, जनरल में आ रही है, नहीं इसको ना ऑक्स रखना चाहिए नाम इसका, ओके, ठीक है। तो ये सब कुछ करने के बाद हम इस फाइल को कर देंगे सेव, ओके। सेव हो गई, उसके बाद हम जाएंगे टेम्पलेट को कर देंगे बंद, ठीक है। और हम एक नई फाइल खोल लेते हैं ड्राइंग की, अब मैं डिफॉल्ट टेम्पलेट बंद कर दिया, अब ब्राउज करूँगा, अब जहाँ पे मैंने सेव किया है, मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ, एक सेकंड, ये सेव नहीं हुआ, तो इस फाइल को मैं करूंगा सेव एज दोबारा से DRW, ठीक है, ड्राइंग फॉर्मेट है ये, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ माय ड्राइंग, ठीक है, ओके कर दो। क्रियो में स्पेस नहीं होनी चाहिए किसी भी नाम में, तो ये नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम नई फाइल खोलेंगे एक ड्राइंग में, डिफॉल्ट टेम्पलेट बंद कर दिया और यहाँ से ब्राउज कर लिया जो अभी हमने सेव किया है, सॉरी यूज टेम्पलेट करना था, मैं अभी गलती हो रही थी, यूज टेम्पलेट करना, क्योंकि हमने टेम्पलेट बना लिया है तो हमारे को यूज टेम्पलेट करके फिर ब्राउज करना, मैं कहूँगा आ क्यों नहीं रहा, तो यहाँ पे माई ड्राइंग के नाम से आ रहा है, ठीक है। जो हमने 6 नंबर सेव किया था वो भी आया हुआ है, देखो
तो माई ड्राइंग डॉट डी आर डब्ल्यू के नाम से हमने सेव कर लेना और इसको कर देना ओपन। तो यहाँ से ये पार्ट भी पूछ रहा है कौन सा पार्ट है, ठीक है, तो ये मेरा पार्ट है 002, इसको ओपन कर लेना, ठीक है, पार्ट ये टेम्पलेट ये, ओके करेंगे तो एक नई विंडो खुलेगी जिसमें व्यू भी सारे आ जाएंगे और पार्ट भी आ जाएंगे। अब हमारा पार्ट है एक्चुअली बहुत बड़ा, इस वजह से ये सारी गड़बड़ हुई। कोई बात नहीं, हम सिर्फ व्यू के ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं, या हम ऐसे करते हैं दोबारा लेके आते हैं, पहले हम अपने डी आर डब्ल्यू में चले जाते हैं और यहाँ पे हम स्केल जो है बहुत छोटा हो रखा है, बड़ा हो रखा है, इसको कर देते हैं 0.2, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि व्यू हमारे बहुत बड़े बड़े आ गए, इसलिए इनको छोटा करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसका व्यू जो है उसके अकॉर्डिंग ही आएगा क्योंकि ये इसकी प्रोजेक्शन में है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको डबल क्लिक करके इसमें स्केल चेंज, ठीक है, फिर से इसको सेव कर दो। अब हमने 006 को चेंज किया है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं एक नई फाइल दोबारा से खोलते हैं, हमारे को ड्राइंग बनानी है, ओके किया, यूज टेम्पलेट किया, ब्राउज किया 006 को, ओपन, पार्ट मेरा 002 है, ओपन, ओके, तो ये हमारे सारे व्यू उसके हिसाब से आ गए थे। ऑक्सिलरी वाला AUX लिखा था ना मैंने, तो उसको समझ में आता है कि AUX पड़ा हुआ है तो मुझे वो चाहिए, ठीक है। इसमें हमने डिमेंशनें ऑन की थी तो डिमेंशनें आ रही है, इसको मैं उठा के थोड़ा सा इधर उधर कर सकता हूँ। हमने उसको बोल दिया था कि डिमेंशन ऑन कर दे, तो उसने जितनी भी डिमेंशन थी वो सारी इसी में दिखा दी, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर डबल क्लिक करके ऑक्सिलरी में डिमेंशन नहीं देनी चाहिए। अगर देनी भी है तो उसका अलग तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से हम प्लेनों को कर देते हैं हाइड, तो ये हमारा आ गया। अगर कोई भी डिमेंशन देनी है, ये मतलब ये तो तरीका था टेम्पलेट सेट करने का, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं यहाँ पे पार्ट पे क्लिक करके ओपन कर देऊँ, राइट क्लिक ओपन, तो ये पार्ट ओपन हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं एनोटेट में जाके यहाँ पे डिमेंशन दे दूँ, डिमेंशन हमारे को मान लो ये सर्कल है, तो ये सर्कल अब ये फ्रंट पे आ रहा है, इस पे यहाँ पे हम कर देते हैं तो फ्लैट टू स्क्रीन, ठीक है। तो अब जो डिमेंशन आएगी, अच्छा ये फ्रंट है, ये टॉप है, ये राइट है, तो जो प्लेन सिलेक्ट होगा ना एक्चुअली डिमेंशन वहाँ उस पे आनी है, ओके। तो यहाँ पे हम डायमेंशन दे सकते हैं, अगर मतलब इधर चाहिए तो राइट कर लो और फिर डायमेंशन दे दो, मतलब हम ऐसे डायमेंशन दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी सिंबल वगैरह भी लगा सकते हैं, यहीं पे लगा लेंगे और वापस अपनी ड्राइंग में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम डबल क्लिक करके डायमेंशन दे सकते हैं। कोई भी व्यू चेंज करना है, ऑब्जर्वरी व्यू चाहिए ऑब्जर्वरी कर लो, डिफॉल्ट चाहिए फ्रंट चाहिए जो भी चाहिए, ठीक है ना। अगर हम पार्ट में कोई भी व्यू सेव करते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा ड्राइंग टेम्पलेट। अगर आपको कोई इमेज वगैरह चाहिए कोई लोगों के लिए या किसी फोटो के लिए, तो यहाँ से इंपोर्ट कर लो इमेज।
का साइज हम छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसको करके देखना है। इमेज आ गई हमारी, और अगर वीडियो में से कुछ भी समझ में आया, कुछ बढ़िया लगा, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है।